नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो मैथ्स के 25 क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेशन आ गया है, जो कि दृष्टिकोण से है, किसके दृष्टिकोण से है इंपॉर्टेंट, ग्रुप डी परीक्षा के, रेलवे के। तो आइए शुरू करते हैं शानदार गणित के 25 क्वेश्चंस बिना किसी समय गवाए। और लेट मी टेल यू गाइस, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको आइडिया पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो आइए बिना किसी वक्त गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन में पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जरा दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 68 और 5 है। यदि संख्याओं में से एक 20 है तो दूसरी संख्या क्या है? आपको एक प्रॉपर्टी पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, इफ वन नंबर इज ए एंड अनदर नंबर इज बी देन ए इंटू बी। चलिए 68 इंटू 5 इज इक्वल टू, एक नंबर क्या है 20 है, दूसरा पता करना है। सो बी विल बी इक्वल टू 68 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 20। ओके, तो यहां जरा बताइए कितना हो जाएगा, ये से चार बार, और यहां कितना आएगा 34 17, ठीक है 17, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान ले एक घन का आयतन वी है, यदि उसकी भुजाओं को दोगुनी कर दी जाए तो आयतन कितनी हो जाएगी। घन का आयतन अगर वी है, लेट्स से अगर वी है, लेट्स से उसका जो एक साइड है, उसका एक क्यूब का एक साइड है ए। अब क्या बोल रहा है कि भुजा को दुगना कर दिया मतलब 2a हो गया, और वॉल्यूम पता है इसका क्यूबिक होता है, ठीक है क्यूब होता है इसका, मतलब कितना हो जाएगा ये 8a³। तो भैया अब पहले ए क्यूब था, ठीक है अब 8a³ हो गया, तो वॉल्यूम अगर पहले वी था अब क्या हो जाएगा 8v हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अंडर रूट ऑफ, लेट्स से दिस इज एक्स बाई 3136 इज इक्वल टू 1/2। अब यहां एक चीज गौर करिए, लेट्स से हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो यहां ऊपर क्या बचेगा एक्स बाई 3136 इज इक्वल टू 1/4। अगर ये चार की वैल्यू है तो एक की वैल्यू क्या होगी, बस दैट्स ऑल। देखो 7 4 28, 7 से वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैंक क्रमशः 8 घंटे 10 घंटे में दो नल ए और बी से भरा जा सकता है। पूरे टैंक को 12 घंटे में तीसरे नल से खाली किया जा सकता है। यदि सभी नल एक ही समय में चालू होते हैं तो खाली टैंक पूरी तरह से कितने समय में भर जाएगा। देखिए तीन टैंक है, ए है, बी है, सी है, ये 8 घंटे में भर सकता है किसी टैंक को। तीन नल है ए बी सी, ठीक है, और ये ए नल जो है 8 घंटे में, बी नल जो है 10 घंटे में, और 12 घंटे में सी नल खाली कर सकता है। लेट्स से हमने एक ले लिया एलसीएम, तो यहां पर लेट्स से वी टेक 60, ठीक है नहीं एक काम करते हैं, पॉइंट में आएगा लेट्स से वी टेक 120, ठीक है 120 ले लिया। चलिए कुछ भी ले सकते हैं, यहां पर याद रखिएगा कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि एलसीएम ही लो, 240 भी ले सकते हैं सहूलियत के हिसाब से। चलिए यहां कितना हो गया, ये हो गया कितना 15 बार, ये हो गया 12 बार, और ये हो गया -10 बार। तीनों को एक साथ चलाना है नलों को, तो 27 से 10 गया 17, मतलब टोटल 120 भरना था विद द एफिशिएंसी ऑफ 17। इसका मतलब 7 सा कितना होता है 119 होता है ना, तो विच विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.99 को चाहेगा, विच विल बी इक्वल टू 7 घंटे, ठीक है सॉरी 6.99 नहीं 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, है ना, क्योंकि ये होता है कितना 119, है ना 120, 7 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, मतलब बिल्कुल 0.0 कुछ कुछ आएगा, तो दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी 7 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 50 प्लस अंडर रूट ऑफ 128 इज इक्वल टू अंडर रूट एन, एन का मान ज्ञात करिए। देखिए यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 × 25, इसको क्या लिख सकता हूं 64 × 2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट एन। सो यहां से 5 बाहर निकाला, तो 25 से 5 गया बाहर √2 प्लस 8 बाहर निकला √2 विच इज इक्वल टू √n, तो यहां क्या हुआ 13√2 इज इक्वल टू √n, इसका मतलब स्क्वायरिंग द बोथ द साइड तो 169 × 2 इज इक्वल टू n, तो यहां 8 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 338। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो वस्तुओं का क्रय मूल 200 और 600 है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर रुपए 300 का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा है तो दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दो वस्तु है, एक का क्रय मूल 200 है, दूसरे का 600, मतलब ग्रैंड टोटल 800। उसका क्या है? सीपी है, और वो 300 रुपए के लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस में उसका कितना हो जाएगा गाइज? 800 प्लस 300 मतलब 1100 रुपए में उसको दोनों आइटम को सेल करना है। पहले दुकानदार, यदि दुकानदार ने पहली वस्तु जो कि कितने की थी, दो वस्तु है ना, 200 और 600, ठीक है, पहली वस्तु 200 की थी, पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा, मतलब 60 और जोड़ दो इसमें, है ना, इसका मतलब 260 में बेचा। अरे हाँ कि ना, मुझे जरा बताओ, 260 में बेचा। तो बोल रहा दूसरी वस्तु को कितने पर बेचना चाहिए अगर उसको 300 रुपए का लाभ अर्जित करना है। देखो 260 हो गया है, कितने में से? 1100 में से। अभी बाकी बचा कितना है गाइस? 840 बचा हुआ है। मतलब इस 600 रुपए वाले वस्तु को 840 में वो बेचेगा, तो देखो कितने की बढ़ोतरी होगी, 240 की। किस पर? 600 पर। मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो 00 ये कितना हो गया? 40% उसको सेकंड वस्तु पर लाभ पर बेचना होगा, यदि उसको 300 रुपए का लाभ करना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता अपने बेटे से कहता है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले बेटे की आयु कितनी थी? अरे क्वेश्चन समझ गए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? देखो बोल रहा है, यहां एक पिता है एक बेटा है। पिता अपने बेटे से कह रहा है कि तुम जब जन्म लिए थे उस समय जो मेरी एज थी वो अभी तुम्हारे एज के बराबर है, और यदि पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 40 है, तो 5 वर्ष पहले बेटे की आयु कितनी थी? देखो ये सारे जो एजेस दिए गए हैं गाइस, ये सारे जो एज दिए गए हैं ये 5 वर्ष पुराने हैं, ठीक है, ये क्या है? 5 वर्ष पुराने। अगर मुझे यहां पर प्रेजेंट में आना है तो सब में मुझे 5-5 जोड़ना पड़ेगा, हाँ कि ना, मुझे जरा बता दो। तो इसका प्रेजेंट के हिसाब से 23 कितना हो गया, ये 22 वर्ष, इसके हिसाब से कितना हो गया, 28 हो गया, इसके हिसाब से 20 हो गया, और इसके हिसाब से 18 हो गया। अब देखो समझो, अभी उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 40 वर्ष है। अब अगर उसके बेटे का प्रेजेंट एज 20 हुआ तो बच्चा जब पैदा हुआ था, बेटा जब पैदा हुआ था तो -20 पिता की एज में, तो 40 वर्ष से अगर मैं 20 वर्ष घटा दूं तो पिता की उस समय आयु कितनी रही होगी? 20, और बच्चे की भी अभी जो प्रेजेंट एज है वो 20 है, तो भैया कंडीशन सेटिस्फाइड, 20 = 20, 5 साल पुरानी कहानी, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दे प्रेजेंट में आने के लिए। समझ गया, ऑप्शन से पकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एक विक्रेता सुगंधित मोमबत्तियों को 3 सुगंध में बेचता है, 20 ग्राहक को गुलाब का खुशबू वाली खरीद 20 ग्राहकों ने 20 ग्राहकों ने गुलाब की खुशबू वाली खरीदी, 40 ने दालचीनी की खुशबू वाली खरीदी, 40 ने दालचीनी, और 30 ने लेमन ग्रास की खुशबू वाली खरीदी, 6 ने सभी तीनों खुशबू वाली खरीदी, 6 ने सभी तीनों खुशबू वाली खरीदी, और 20 ने इनमें से 2 खुशबू वाली खरीदी, कितनों ने केवल 1 खुशबू वाली खरीदी? देखिए केवल एक, यहां 20 ग्राहकों ने गुलाब, 40 ग्राहकों ने दालचीनी, और 30 ग्राहकों ने लेमन ग्रास, मतलब टोटल कितना हो गया? 20 + 40 + 30 मतलब 70 और हो गया 90। अब यहां बोल रहा है ये टोटल हो गए है ना, कितने ग्राहक हो गए? टोटल ग्राहक, ठीक है, टोटल ग्राहक 90 हो गए। अब वो बोल रहा है कि कितनों ने केवल 1 खुशबू वाली खरीदी। अब अगर मैं इससे 2 या 3 वाला माइनस कर दूं तो मेरे पता चल जाएगा 1 खुशबू वाला, मुझे पता चल जाएगा। देखो तीनों खुशबू वाला 6 है और 2 खुशबू वाला 20 है, मतलब इससे अगर मैं 26 माइनस कर दूं तो मुझे 1 खुशबू वाला पता चल जाएगा। रे हाँ कि ना, तो आंसर 64 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। रुपए 400 को 6 पुरुषों 12 महिलाओं और 17 लड़कों के बीच इस प्रकार वितरित करें कि 2 पुरुष को 5 लड़के और 2 महिलाओं को 3 लड़कों के बराबर राशि मिले। एक आदमी एक महिला, एक आदमी एक महिला और एक लड़के को कितना पैसा दिया गया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा बनाइए स्पीड में, जरा बनाइए स्पीड में। अगर आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं तो एक काम करिए, साउंड को लो कर दीजिए थोड़ा सा, जिससे मैं जब इसको बनाऊं तो आपको डिस्टर्ब ना हो, और मुझसे पहले आंसर लाइए। चलिए, 400 रुपए को 6 पुरुषों 12 महिलाओं और 17 लड़कों के बीच में बांटना है। इस प्रकार की 2 पुरुष, 2 पी फॉर पुरुष, किस 2 पुरुष को 5 लड़के और 2 महिलाओं को 3 लड़कों के बराबर राशि मिले। लड़का लड़का तो सेम होना चाहिए, क्या सेम दिख रहा है? नहीं, आइए सेम कर देते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहां 6p इज इक्वल टू 15l, और यहां पर क्या आ गया गाइस, यहां पर 15l आ गया और यहां क्या आ गया मुझे जरा बताओ, 10m आ गया। अरे हाँ, समझ गए, हाँ कि ना जरा मुझे बता दो तो। इसका मतलब 16p इज इक्वल टू 15l इज इक्वल टू 10m, इसका मतलब 6 पुरुष बराबर 15 लड़के बराबर 10 महिलाएं। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, p इज टू l इज टू m, अगर मुझे इज इक्वल टू को रेशियो में बदलना हो तो उनके अपॉन में कर देना पड़ता, मतलब 1/6 इज टू 1/15 इज टू 1/10। लेट्स से वी टेक एन एलसीएम व्हिच इज 60, तो यहां पर 10 इज टू 4 इज टू कितना 6, मतलब पुरुष इज टू लड़के इज टू महिला क्या हो जाएगा, 10 इज टू 4 इज टू 6। ओके, लेट्स सिंप्लीफाई इट, 5 इज टू 2 इज टू 3। ये क्या हो गए, ये इनकी कार्य क्षमताओं की एफिशिएंसी हो गई। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, 6 पुरुषों 12 महिलाओं और 17 लड़कों को, 6 पुरुषों मतलब मल्टीप्लाई बाय 6, अरे समझ रहे हो ना, तो 5×6=30, ठीक है, और फिर बोल रहा 12 महिलाओं को 12 मतलब 36, ठीक है, और कितने लड़के हैं, 17 लड़के हैं, तो 17 तो कितना हो गया 34। देखो इन सबको जोड़ो क्या हो गया, 100 हो गया, जो किसके बराबर है, जो 400 रुपए के बराबर होगा। मतलब एक की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, एक की वैल्यू अगर 4 हुई तो एक आदमी एक महिला और एक लड़के को कितना पैसा दिया, इनका रेशियो एक एक का रेशियो तो ये है ना, इनकी कार्य क्षमता के अनुसार उनको पैसा मिलेगा ना, तो इसका मतलब एक की वैल्यू पता चल गई, मतलब इस रेशियो का यूज करते हुए 5×4+2×4+3×4 मतलब क्या हो गया, 20+8+12 विच इज इक्वल टू 40 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। डिड यू गेट मी, समझ गया क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान एक पर 1 लाख और दुकान दो पर 1.5 लाख का निवेश किया था। उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल किया, ठीक है, तिमाही एक में 20%, तिहाई दो में 55% और तिहाई तीन में प्राप्त राशि की गई राशि क्या थी। अच्छा, तो यहां तिमाहियों में बोला गया था कि उसने 1 लाख और 1.5 लाख, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 2.5 लाख का हो गया, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। उसने पहले तिमाही में 20% वसूल कर लिए, दूसरे तिमाही में उसने 55% वसूल कर लिए, तो 20+55 मतलब 75% उसने वसूल कर लिया, तो वसूल अभी कितना बाकी है, 25% बाकी है ना,
तो मुझे 2.5 लाख का 25% निकालना है और मेरा आंसर आ जाएगा प्राप्त की गई राशि 3 माह में। तो शून्य 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 शून्य, देखो 25 25 625 वाला एक ही ऑप्शन है, लगा दो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यदि 40 3/5 लंबे स्टील को एक सरिए को 3 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई, देखो 30 3/5 को क्या बोल रहा है, बराबर 3 टुकड़ों में ना, तो डिवाइडेड बाय 3। चलो अब एक काम करते हैं, तो यह क्या हो गया 200, 203 मतलब 203/5 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, ये 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 203/15 मतलब 150 तक तो 10 बार में गया, फिर 45 मतलब 3 और ऊपर क्या बचेगा 8 और 95 तक जाएगा तो 8 और बटे 15, 13 8/15 ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x² + 4x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में x² + 6s + 9 का वर्गमूल क्या है? सबसे पहले इनके रूट्स निकालते हैं, पहले इनके मूल निकालते हैं, फिर उनके वर्ग कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे फिर, है ना। तो एक काम करते हैं जो है, आइए देखा जाए, तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं कि x² से पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए, x² मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो 2x + 2x + 4 और दूसरे में x² + 3x + 3x + 9। ओके चलो इससे इससे कॉमन ले लो, है ना, तो x कॉमन ले लिया तो x + 2, दूसरे में 2 कॉमन ले लिया तो x + 2, ठीक है। अच्छा और यहां पर x कॉमन ले लो तो x+3 और यहाँ 3 कॉमन ले लो तो x+3, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया x+2 और x+2 और यहाँ क्या हो गया x+3 और x+3, इसका मतलब एक एक उठा लो तो x+2 और x+3 वर्गमूल आ गए ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 भुजाओं वाली एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 17 भुजाएं, फॉर्मूला याद रखना, विकर्ण अगर आपको बोले नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो याद रखना दिस विल बी इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 3/2, ठीक है, एन इंटू एन माइनस 3/2 याद रखना, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ कि n की वैल्यू यहां क्या दी गई है, n इज इक्वल टू 17 दी गई है, तो बस पुट करो 17 × 17 − 3/2, इसका अर्थ क्या है 17 × 14/2, 7 से 7 गया 119, ऑप्शन आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 20 वर्ष पहले लूसी की आयु बनी की आयु की 4 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु का जोड़ 95 वर्ष है, बनी की वर्तमान आयु कितनी है? देखो 20 वर्ष पहले लूसी और लूसी की आयु बनी की आयु की 4 गुनी थी, देखो लूसी और बनी 20 वर्ष पहले लूसी की आयु बनी के आयु की 4 गुनी थी, लेट से एक्स एंड एक्स, ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का जोड़ इतना है। इनकी वर्तमान आयु में मुझे अगर आना है, ये 20 साल पुरानी कहानी है, तो प्रेजेंट में आने के लिए 20 साल मुझे लूसी में जोड़ना पड़ेगा, 20 साल मुझे बनी में जोड़ना पड़ेगा, मतलब 4x + 1x + 20 + 20 मतलब 40 विल बी इक्वल टू 95, है ना। तो वर्तमान आयु बनी का पूछ रहा है, तो देख लेते हैं 5x विल बी इक्वल टू 55 एंड x विल बी इक्वल टू 11। अगर x इज इक्वल टू 11 है तो बनी के 20 साल पुरानी उम्र क्या है, 11 है, प्रेजेंट में आने के लिए 20 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 31, विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। डिड यू गेट मी गाइस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वन सेकेंड, इज इट वर्किंग राइट? ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
एक आदमी अपने पैसे का 0.25 हिस्सा खर्च करता है और बाकी बचा लेता है, तो बाकी कितना बचा लेता है? 0.75, मतलब 75% बचा लेता है, मतलब 3/4 बचा लेता है। आगे पढ़ते हैं, यदि कुल राशि रुपए 1600 की थी तो कितना बचाएगा बताओ? 1600 नहीं, 16000 की थी, 16000 का 3/4, 4000, 12000 इज द राइट आंसर। विच ऑप्शन? ए की, बी की, सी की, डी? ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा गौर से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक ग्वाला एक ही मापने वाले गिलास से अपने चार ग्राहकों को 3 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर और 8 लीटर दूध मापता है। सबसे बड़े मापने वाले ग्लास की क्षमता बताएं। मतलब 3 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर और 8 लीटर का क्या निकालना है सबसे बड़े मापने वाला ग्लास की क्षमता? तो कुल मिला के वैद्य से पूछ रहा है, क्या दिख रहा है? 1 लीटर लगा दो ऑप्शन नंबर ए। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। एक धनराशि का निवेश 7.5% साधारण ब्याज के दर पर 3 वर्षों के लिए किया गया था। यदि निवेश 6 वर्षों के लिए किया गया होता तो 1125 1125 अधिक ब्याज प्राप्त अर्जित होता। प्रारंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी? 3 साल और 6 साल, 7.5% रेट, मतलब डिफरेंस कितने साल का? 3 साल का, मतलब 3 × 7.5 इसी की जो वैल्यू है वो कितनी है? इसी के कारण जो है 1125 और अधिक ब्याज अर्जित हुआ है। इसका मतलब 22.5 की वैल्यू क्या है? 1125। अरे समझ रहे हो, इसका मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। सो 1125 बटे 22.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अरे आर यू गेटिंग गाइस? चलो इससे हटाया ये, इससे गया ये 5 बार, तो आंसर क्या आ गया? 5000। ए की, बी की, सी की, डी? ऑप्शन नंबर बी। ओ हे, व्हाट हैपेंड? किस क्वेश्चन में थे हम लोग? चलिए ये हो गया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा गौर से देखिए। उपयुक्त आकृति में यूटी जो है पीएस के पैरेलल है। यूटी पीएस के पैरेलल है, मतलब यूटी जो है वो पीएस के पैरेलल है, और बिंदु पी और आर पीएस पर है। क्यू और आर जो है, क्यू और आर पीएस पर है। एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी जो है वो अगर x है तो आर क्यू टी जो है x माइनस 66 है। आर क्यू टी मतलब ये क्या होगा? x माइनस 66 डिग्री होगा। और एंगल टी यू आर, टी यू आर ये वाला जो एंगल है वो क्या है? x प्लस 33 डिग्री है। तो कह रहा है कि यू आर एस का मान बताओ। यू आर एस इसका इसका मान पूछ रहे हैं। आप बता सकते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि टी और यू जो है, टी यू और पी एस जो है वो क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर होगा, अल्टरनेटिंग एंगल्स, राइट। इसका मतलब एक्स की वैल्यू सबसे पहले पता करें। आपको पता है अगर कोई स्ट्रेट लाइन होता है टोटल बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है। इसका मतलब यहां से एक्स प्लस एक्स माइनस 66 180 के बराबर, 2x माइनस 66 180 के बराबर, 2x इज इक्वल टू 180 प्लस 66 के बराबर, 2x इज इक्वल टू 246 के बराबर, x इज इक्वल टू 123 के बराबर। अगर x इज इक्वल टू 123 आ गया तो ये कितना आ जाएगा? 123 माइनस 66 मतलब 437, और यहां कितना आ गया? 7, और यहां 5, तो यहां आ गया 57। ये वाला एंगल आ गया 57। अगर ये वाला एंगल 57 आ गया तो वैसे इसकी जरूरत भी नहीं थी निकालने की, ये डायरेक्ट निकाल देते। सो 123, ये वाला एंगल कितना आ गया? 123 प्लस 33 मतलब 6
156, तो ये कितना हो जाएगा, 156 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित पाई चित्र रेस्टोरेंट एक्स वाई जेड द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री के बारे में जानकारी व्यक्त करता है। नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट द्वारा अर्जित कुल राजस्व का 35 लाख था, ठीक है। बर्गर की बिक्री पर रेस्टोरेंट एक्स वाई जेड द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया, टोटल 35 लाख था। और किसका पूछा है, बर्गर का पूछा है। बर्गर 25% है, मतलब एक चौथाई कर दो, इतने लाख का एक चौथाई कर दो तो कितना होगा, 8.75 होगा, है ना, 32 और 3, ठीक है, 8.75 लाख। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 570 और 1425 का महत्तम और लघुत्तम जो है समापवर्तक ज्ञात करें, ठीक है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 570 एंड 1425, ओके। पहला वाला ऑप्शन, ऑप्शन से बनाते हैं ना, 285, लेट्स से 285 इज द एचसीएफ, क्या जा रहा है देखो तो जरा गौर से, 285 से बड़ा 289 है, लेट्स से 285 से जा रहा है कि नहीं, ये जा रहा है क्या मल्टीप्लाई बाय 2, जी हां बिल्कुल जा रहा है क्या, ये जा रहा है क्या, क्या ये जा रहा है, हाँ मल्टीप्लाई बाय 5, या इट इज गोइंग, मतलब एचसीएफ तो निकल के आ गया 285, ये और ये कट कर दो, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है एलसीएम। चलो एलसीएम अगर मैं बात करूं, इसका अगर मैं दुगना कर दूं तो 2850, क्या ये जा रहा है 2850 से, जरा देखो तो, पांच बार, हाँ बिल्कुल पांच बार में चला जाएगा ना 300, हाँ 5 बार में 2500 और 535, हाँ 5 बार में चला जाएगा, और ये तो जा ही रहा है 2 बार में, हो गया आंसर ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, बॉयज और गर्ल्स का क्या है, 2:3 है। लड़कों की औसत प्राप्तांक जो है 60 है और लड़कियों का औसत प्राप्तांक 70 है, तो पूरी कक्षा में औसत प्राप्तांक देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू 40 है, मतलब 1 की वैल्यू 8 है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने, 8 दुगुनी 16 है, और ये है 24, लड़कियां कितनी है 24 है। चलो इसका जो औसत दिया गया ये 60 दिया गया है, इसका औसत 70 दिया गया है, तो टोटल का औसत जो होगा तो 16 × 60 प्लस 24 × 70 डिवाइडेड बाई कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, अरे समझ गए हो, तो ये कितना हो गया 960 प्लस 1680 बटे 40, इसका मतलब 66, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। मी क्लर्क का खर्च अगस्त तथा सितंबर के महीने में 60,000 रुपए बढ़ गया है, यदि जुलाई में उसका खर्च 60,000 रुपए था तो उसका जुलाई से सितंबर तक का औसत खर्च, देखो जुलाई अगस्त और सितंबर, ठीक है, यहां पर 60 केस का था, अगस्त में 60,000 और बढ़ गया मतलब 120K हो गया, और सितंबर में फिर 60,000 बढ़ गया तो 180K हो गया। अगर सेम इंटरवल हो, अगर सेम इंटरवल हो, 60K का इंटरवल है ना, इसका मतलब हमेशा याद रखना बीच वाला एवरेज होता है, तो एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ गया 120K, मतलब कितना, 1,20,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 2 वर्ष पहले विवेक की आयु समीर की आयु का 3 गुना था, 3 वर्ष बाद विवेक की आयु समीर की आयु का दुगना हो जाएगी, ठीक है हो जाएगी, तो विवेक की वर्तमान आयु कितनी है, देखो विवेक है और समीर है, 2 वर्ष पहले जो है विवेक की आयु समीर का 3 गुना था, तो ये 3 गुना था, और 3 साल बाद क्या हो गया गाइज कि 2 गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया। अभी देखो इनके एज डिफरेंस कितना है, 2 है, यहां कितना है 1 है, तो इसको 2 बना दिया जाए तो ये 4 और ये
दो, ठीक है, बन गया, मल्टीप्लाई बाय टू कर दिया उसको, मल्टीप्लाई बाय टू कर दिया, अभी एज डिफरेंस आ गया। अब मुझे बताओ एक से दो मतलब एक की बढ़ौत, लेकिन माइनस दो से प्लस तीन मतलब पांच की बढ़ौत, एक की बढ़ौत मतलब पांच की बढ़ौत, किसका पूछ रहा है? विवेक का वर्तमान, विवेक का 2 साल पहले उम्र 3 था, मतलब 3 × 5 मतलब 15 था, 2 साल पहले वर्तमान में आने के लिए प्लस टू कर दो तो 17 वर्ष, 17 वर्ष, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कपड़े का 34.5 मीटर के मूल्य इतना है तो उसका 10.25 मीटर का मूल्य कितना होगा? 34.5 की वैल्यू अगर 1656 है, सो 10.25 की वैल्यू क्या होगी जरा मुझे बता दो। तो 1656 बटे 34.5 मल्टीप्लाई बाई 10.25, इज इट तो कितना हो जाएगा? ये 492 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज का अंतिम सवाल आपके समक्ष, 52 - 8 - 20 ब्रैकेट पहले कर लो तो कितना हो गया? -12, -12 हो गया है तो बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस 652, तो कितना हो जाएगा? 64, विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो जो है गाइस, ये थे 25 क्वेश्चन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सेशन आपके जो मैं ले रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और हाँ, प्लेलिस्ट में इसको करवाने का मैंने बोल दिया है तो प्लेलिस्ट में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।